और चलिए सियाचिन से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं और वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चिंताजनक खबरें भी आती रहती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्कूल हों या अस्पताल, मंदिर मस्जिद हों या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हों या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, आज आपके बीच आकर मैं जो महसूस कर रहा हूँ वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। भारतीय सेना इच्छा शक्ति और साहस का मैं मानता हूँ कि यह दूसरा नाम है। आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा का संचार होने लगा है। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं वह अनपैरेलल है, वह अतुलनीय है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं जब इन वादियों में बहती हैं, जब हर कोई अपने घरों में दुबक जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप मौसम से लोहा लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी मजबूती से खड़े होते हैं। इस अटूट इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। आने वाले समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तब बर्फीले ठंडे ग्लेशियर में उबाल लाने वाली आपकी वीरता के कार्यों का गौरव के साथ उसे याद किया जाएगा। साथियों, होली के लिए जब यहाँ आने का प्लान बन रहा था तो उस समय मुझे एक विचार आया जिसे मैं आप सबसे और आप सबके माध्यम से पूरे देश से साझा करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सब के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यह परंपरा आपके यहाँ भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपे रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए, हिंद महासागर की गहराई में स्थित पनडुब्बी में सवार भारतीय नौसेना के नौ सैनिकों के साथ मनाए जाने चाहिए। उसके बाद ही लोगों को होली दीपावली जैसे त्योहारों को मनाने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे होली का पहला टीका अगर कहीं पर लगेगा तो हमारे सैनिकों से लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ ठीक होली के एक दिन पहले ही आना चाहता था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण चाहते हुए भी मैं नहीं आ पाया। हमारे आर्मी चीफ जनरल बरोज जी पांडे और सुचिंद्र कुमार जी तो यहीं पर थे, अमिस्टर बाली वहाँ पर थे, पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपके बीच उस समय मैं नहीं पहुँच पाया, उसकी वेदना।